फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आ गए हैं काम पर, क्योंकि उधर बहुत दिन नागा हो गया, काम नहीं आए उधर। तो इधर आज से काम स्टार्ट किए हैं, अब रेगुलर काम चलेगा और इधर रेगुलर वीडियो भी अपलोड होगा काम का, जो भी काम करेंगे। यहाँ बाबूगांव में जो नया साइड अबर लिए आया हुआ है, उसी में आए हुए हैं। यहाँ कॉलम का जो है सारा गड्ढा हो गया है, जितना भी गड्ढा है कॉलम का वो सारा हो गया है। तो आज ये सारे गड्ढे में जो है ईटा का सोलिंग करना है हमें, तो ईटा का सोलिंग सारा करेंगे। एक बार दिखाते हैं आप लोग का कि जो कॉलम का गोड़ी जो है, सबसे नीचे का जो है प्लिंथ, वो कैसे सोलिंग सही तरीका से करते हैं ईटा का। सो फ्रेंड्स, हो गया थोड़ा सा गड़बड़, वहाँ पर ही आदमी नहीं आया जहाँ सोलिंग करना था, तो वहाँ आदमी नहीं आया, तो इसके कारण फिर हम आ गए यहाँ होटल पास, और होटल पास यहाँ साफ़ करना है ये सारा काटी जितना भी है पटरा में लगा हुआ है, क्योंकि सारा खुला नीचे से और सारा ऊपर ही चढ़ गया डायरेक्ट, एक में भी काटी जो है साफ़ नहीं हुआ है। देखिए, इस सब में काटी लगा हुआ है, तो ये सब सारा काटी जो है इसका साफ़ करना है। सो फ्रेंड्स, अभी हो गया लंच का टाइम, और देखिए आज तीन साइड दौड़े हैं। वहाँ गए सबसे पहले बाबूगांव, वहाँ भी नहीं हुआ काम, नहीं आदमी आया, नहीं हुआ। उसके बाद फिर होटल पर आए, होटल पर भी आदमी नहीं आया, तो वहाँ भी नहीं आए, फिर यहाँ आए, तो यहाँ आए, तीन जगह आए, दौड़ना पड़ा हमको, और आखिरी में यहीं पर ही काम करना पड़ा। फिर यहाँ आके और ये वाला जोड़े हैं और इसका भाड़ा किए हुए हैं, इसको खाने के बाद भी जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, कल यहाँ तो काम नहीं हुआ, तो आज यहाँ काम हो रहा है। कल तो यहाँ आदमी नहीं आया था, इसलिए काम नहीं हुआ था, तो आज यहाँ हो रहा है। आज सोलिंग करेंगे सारा गड्ढा का। फ्रेंड्स, अब हो गया बालू डालना सब गड्ढा में, और देखिए इसमें प्लेन कर लिए हैं बालू डाल के, और अभी ईटा गिरा रही है, ईटा सोलिंग करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, जो है ये कलम का गड्ढा सोलिंग करने का जो है सही तरीका जो है ईंटे बिछाने का, वो ये है। देखिए इसमें क्या है कि ये जो ईंटे हैं, इसका जो है बंधन जो है एक साइड सब ईंटे का नहीं आ रहा है। ईटा का मतलब ही यही है, सोलिंग का भी या फिर कहीं भी जुड़ाई लगाने टाइम भी या कहीं भी ईटा बिठाने टाइम, इसका नियम ही यही है कि इसका जो बंधन है इस ईटा का और इस ईटा का, ये एक पास नहीं आना चाहिए, यहाँ मतलब कि नहीं आना चाहिए। वैसे क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक नहीं होता है। तो जो है सोलिंग करने का सबसे जो है बेस्ट यही है तरीका, मतलब ऐसा ही किया जाता है सोलिंग। सो फाइनली फ्रेंड्स, एक गड्ढा सोलिंग कर लिए हमने पूरा पूरी, और अब जा रहे हैं दूसरा गड्ढा में सोलिंग करने के लिए। नौ गड्ढा सोलिंग करना है। तो देखिए ये सोलिंग जो है, ये सोलिंग अच्छा भी लगता है देखने में और मजबूती भी होता है, क्योंकि तो इसका जो बंधन होता है ना, जो ईंटे का जो गैप होता है, वो सब एक दूसरे से बंधा जाता है। तो सारे गड्ढे सोलिंग हो गए फ्रेंड्स, और एक गड्ढा ये लास्ट बचा हुआ है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मिट्टी गिरा हुआ है, जाके इसको साफ़ करना होगा। उसके बाद बालू डाल के फिर सोलिंग करेंगे इसमें, लास्ट यही गड़ा बचा हुआ है। इसके बाद इसको सोलिंग करके फिर जो है 2-2.5 इंच ढलाई हो जाएगा, पीसीसी ढलाई नीचे, और जितना गड़ा ढलाई होगा कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड, सारा गड़ा जो है सोलिंग हो चुका है, सारा कलम, और अब जो है देखते हैं कितना ढाल पाते हैं, उतना ढालेंगे। इधर हो रहा है मसाला की तैयारी। देखिए यहाँ जो है हमारा मसाला की तैयारी हो रहा है, यहाँ पे बना उना के ढाल देना है। फ्रेंड्स, हमारा मसाला बन चुका है, मसाला बना लिए हैं और अब ढालते हैं जाते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब टाइम हो गया है छुट्टी का, और तीन कॉलम का जो है पीसीसी हम लोग ढाले हैं। देखिए एक, दो और तीसरा, थोड़ा सा मसाला बचा था इसमें दे दिए, तो आज तीन कॉलम का पीसीसी ढाले हैं, बाकी जो बचा है वो कल ढालेंगे, 6 पीसीसी कल ढालेंगे। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।